can see a beam of light. Hey, what's up guys, welcome back to my channel, this side Ayush here. So guys, नए साल में Samsung अपना flagship device लेके आ रहा है और उसका नाम जो होगा Samsung Galaxy S11 होगा कि S20 होगा. इसके corresponding Ice Universe ने ट्वीट किया है और उन्होंने बोला है कि next year is 2020 and 20 is a new beginning. तो probability यही है कि जो Samsung का नया device आएगा उसका नाम S20 से start होगा. तो अभी जो Samsung के 3 device आने वाले हैं अपने flagship series के अंदर वो है S20, S20 Plus, S20 Ultra. और जो उनका स्क्रीन साइज होगा वो होगा 6.2 इंच S20 के लिए, S20 प्लस के लिए होगा 6.7 इंच और S20 अल्ट्रा के लिए होगा 6.9 इंच. और सबसे खास बात ये भी है गाइस कि जो One UI 2, जो सैमसंग का खुद का सॉफ्टवेयर है जो थीम वो यूज़ करते हैं, उसके सोर्स कोड में भी लोगों को ये मिला कि उसका नाम सैमसंग गैलेक्सी S11 नहीं रहेगा. तो डेफिनेटली चांस यही है कि S20 होगा. गाइस जो सैमसंग के 3 मॉडल्स आने वाले थे वो है S11e, उसका नाम अब होगा सैमसंग गैलेक्सी S20. जो नेक्स्ट है वो होगा S11, उसका नाम होगा S20 प्लस. और जो लास्ट मॉडल है वो है S11 प्लस, उसका नाम मे बी S20 अल्ट्रा होगा. तो ये सारे लीक्स आइस यूनिवर्स ने ट्विटर पे पोस्ट किए हैं. और गाइस अपने नाम की बात तो कर रही, लेकिन नाम से क्या फर्क पड़ता है, चाहे नाम उसका S11 हो S20 हो. लेकिन जो फ्लैगशिप लेवल का फोन अब सैमसंग रिलीज करने वाला है, नो डाउट बहुत अच्छा होगा. कैमरा बहुत अच्छा होगा, डिस्प्ले अच्छा होगा, जो बेजल्स है वो और कम हो जाएंगे, फ्रंट का जो कैमरा वो इंप्रूव होगा, बैक कैमरा इंप्रूव होगा, बैटरी इंप्रूव होगी. और सबसे खास बात गाइस उसकी फास्ट चार्जिंग, तो सैमसंग के अंदर भी बहुत अच्छी फास्ट चार्जिंग आ रही है इस डिवाइस के अंदर, फ्लैगशिप के अंदर. तो गाइस सैमसंग की तरफ से जो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग न्यूज़ है वो है सैमसंग का लैपटॉप सीरीज जो कि है गैलेक्सी बुक आयन. इसमें लगा है क्यूलेट डिस्प्ले जो कि आपको बहुत अच्छे कलर्स प्रोवाइड करेगा. यदि आप लैपटॉप को ले जाके बाहर आउटडोर में भी काम करते हो तो भी आपको बहुत अच्छा डिस्प्ले देखेगा, क्योंकि इसको जो ब्राइटनेस लेवल है वो 600 निट है. और सबसे खास बात जो इस डिवाइस के अंदर मेरे को लगती है वो है इसका वायरलेस पावर शेयर. मतलब यदि आप गैलेक्सी बर्ड्स यूज़ करते हो तो आप जैसे ही उसके टच पैड पर रखोगे गैलेक्सी अपने बर्ड्स, तो वो ऑटोमेटिकली चार्ज होना शुरू हो जाएंगे. तो गाइस जो सैमसंग है गैलेक्सी बुक आयन 2 वेरिएंट में रिलीज कर रहा है. पहला है गैलेक्सी बुक आयन 13, सेकंड है गैलेक्सी बुक आयन 15. यदि हम इसके टॉप वेरिएंट की बात करेंगे गैलेक्सी बुक आयन 15 की, तो आपको इसमें मिलेगा 10th जनरेशन का इंटेल कोर का प्रोसेसर. ग्राफिक्स की बात करेंगे तो एनवीडिया के ग्राफिक्स हैं MX250, 2GB ग्राफिक्स सपोर्टेड है इसके अंदर, 16GB की रैम है इसके अंदर और 1TB SSD हार्ड डिस्क का सपोर्ट है. बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे लाइक वाईफाई का 6 का सपोर्ट इसके अंदर है आपको मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर इसके अंदर है, बैकलाइट आपको कीबोर्ड मिलेगा और बाकी जो जनरल चीज़ें होती हैं USB पोर्ट वगैरह सब चीज़ें इसमें प्रेजेंट है. तो गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ. और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपडेटेड रहेंगे. साथ ही साथ गाइज अपना सपोर्ट बनाए रखिए इस चैनल पे और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को देखते रहिए. तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.